हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइज, एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। जिन स्टूडेंट्स की अभी तक आंसर शीट अपलोड नहीं हुई थी, या फिर आपने सही से अपलोड नहीं करी, गलत पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी, या सही से डिटेल्स मेंशन नहीं करी थी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अब सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, आइए जानते हैं वो किस तरीके से आपको फॉलो करना है। यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है ग्रीवांस नोटिस करके, ठीक है, इसको आप ओपन कर लेंगे। मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। ये आपके सामने कुछ इस तरीके से हो जाएगा। द डेट ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ इंपॉर्टेंट नोटिस ही आ गया है। द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए बी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स हु वर लेफ्ट आउट इस डेट एक्सटेंडेड अप टू 27 जुलाई। जो स्टूडेंट्स रह गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए, उनके लिए एक आखिरी मौका है 27 जुलाई तक। इसके साथ साथ जो सबसे मेन बात है, स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करी या फिर गलत पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी, वो लोग ग्रीवांस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। उसकी लास्ट डेट है 27 जुलाई 2021 से पहले पहले। और आपको बता रहा हूँ कि ये एक लास्ट चांस है। अगर आप इसके बाद भी आपकी पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करते हो, या फिर आपकी पीडीएफ फाइल रह जाती है, तो उसके बाद कहते हैं कोई भी और सोल्यूशन नहीं है। तो बहुत ही सोच समझ कर ये कहते हैं काम करना, और बहुत ही तरीके से अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड करना। ठीक है, आइए जानते हैं किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद, उसके बाद स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा अपनी पीडीएफ को सबमिट करने का 30 तारीख को और 31 जुलाई को। यह नोटिस आपका दिया हुआ हिंदी के अंदर भी, अगर आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपका आ गया ग्रीवांस का फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ के जैसे आपको यहाँ पर डालना है आपका एसएसएल का रोल नंबर, और नीचे डालना है आपको बार कोड। रोल नंबर और बार कोड से सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से होगा एग्ज़ाम पेपर कोड और रीज़न। मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया सबसे पहले हिस्ट्री का, ठीक है, और यहाँ पे रीज़न में चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन दे रखे हैं रीज़न में। फर्स्ट ऑप्शन है आंसर शीट कुडंट बी अपलोडेड, यानी कि आपने कहते हैं वो जो आपकी पीडीएफ फाइल थी वो आपने अपलोड नहीं करी, या फिर कहते हैं वो अपलोड नहीं हुई। इसके साथ साथ सेकेंड ऑप्शन ये है कि रॉन्ग आंसर शीट अपलोडेड, यानी कि कहते हैं आपने गलत पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी, या इनकेस आपने कहते हैं जो आपकी डिटेल्स थी पीडीएफ फाइल के अंदर वो सही से फिलअप नहीं करी, तो भी आप सेकेंड ऑप्शन चूज कर सकते हो। हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने पार्शली अपलोडेड कर दिया अपनी पीडीएफ फाइल। जैसे लेट सपोज दो क्वेश्चंस की एक ही पीडीएफ फाइल बननी थी, लेकिन हो सकता है कि मे बी किसी एक स्टूडेंट ने एक ही क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी और सबमिट हो गई, तो ये भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे चूज करने के बाद आप क्लिक कर देंगे ऐड के ऊपर, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम का किया हिस्ट्री का, इसी तरीके से ऐड करने के बाद आप लोग कहते हैं बाकी एग्जाम्स भी कर सकते हैं, जिस भी एग्ज़ाम का आपको पीडीएफ फाइल दोबारा से सबमिट करने की रिक्वेस्ट जानी है। 27 तारीख तक की इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ कर फॉर्म फिलअप कर देना। जिसकी पीडीएफ फाइल सही से अपलोड हो चुकी है, उन्हें कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं हुई है, या फिर जिन्होंने गलत पीडीएफ फाइल पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी है। चलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वर्क हार्ड। से वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।